और इस बीच खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई के लिए रवानगी कर चुके हैं। आज उन्होंने बागी विधायकों की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया। आपको यह भी सुना देते हैं कि रवानगी से पहले एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा। मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ सर। मुंबई ला मी जातो आहे, राज्यपाल महोदय ना भेटायला। सर सब एमएलए नहीं गए सर? सब एमएलए यहाँ पर है और आगे आगे बताएंगे। मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ सर। कोणाला भेटायला? सब एमएलए नहीं गए सर? मुंबई ला मी जातो आहे, राज्यपाल महोदय ना भेटायला। सर सब एमएलए नहीं गए सर? सब एमएलए यहाँ पर है और आगे आगे बताएंगे। तो आपने सुना एकनाथ शिंदे को साफ तौर पर कहते हुए कि मुंबई जा रहे हैं, वो वहां पर राज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे, जिसमें 49 विधायकों के समर्थन की बात लिखी गई है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, कब फ्लाइट लैंड करेगी एकनाथ शिंदे की? मुस्तफा से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिन मंत्रियों का समर्थन हासिल है, और साथ ही जिन बागी विधायकों को अब सरकार में शामिल किया जाएगा, किसे क्या मंत्री पद दिया जाएगा, इसका खाका तैयार कर लिया गया है। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। ऋतिक, देखिए हलचल इस वक्त दोनों जगहों पर है, साफ तौर पर बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज है, क्योंकि अब कैबिनेट का खाका तैयार किया जा रहा है, सरकार फॉर्मेशन की बात की जा रही है, समर्थन पत्र की चिट्ठी लेकर एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार शुरू है और देवेंद्र फडणवीस के ऑफिशियल रेसिडेंस वर्षा सागर बंगलो पर हम देख रहे हैं, जो कि सीटी रवि बीजेपी के इंचार्ज, स्टेट इंचार्ज चुने हुए हैं, उनके उपस्थिति में ये बैठक हो रही है कोर कमेटी की। सभी आला नेता इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि शिंदे कैंप जिसको इस सरकार में हमें शामिल करना है, उनको क्या पोर्टफोलियो दिए जाए, कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए, उसका प्रपोर्शन क्या हो, और इस सब को लेकर एक खाका तैयार होता है। उसी के बाद आज एक विधायक दल की बैठक ताज प्रेसिडेंट होटल कुलाबा में हो सकती है, जहां पर एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में, जो कि सभी विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर मुंबई पहुंच रहे हैं, और जो बीजेपी के सभी विधायक उसी होटल में रुके हुए हैं, उनकी सभी के उपस्थिति में सर्वसहमति से देवेंद्र फडणवीस को लीडर ऑफ ग्रुप चुना जाएगा, और तभी उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो जाकर सरकार का दावा ठोक सके। हम देखेंगे कुछ ही देर में ये बैठकों का सत्र खत्म होकर जब एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचेंगे, ये विधायक दल की बैठक जो है ये शुरू होगी, और वहां पर एक औपचारिक रूप से लीडर ऑफ ग्रुप देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के आला नेता सभी राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल के पास सरकार स्थापन करने के लिए अर्जी देंगे और सरकार बनाने का दावा भी ठोकेंगे। हो बताया ये भी जा रहा है कि आज शाम को ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की औपचारिक तौर पर शपथ ले सकते हैं, या तो 1 जुलाई यानी कल ये शपथ विधि हो सकता है। एक बार ये शपथ विधि पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस हैदराबाद में शनिवार 2 जुलाई को जाने वाले है मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। बिल्कुल, और इसी बीच शपथ ग्रहण आज होगा, इस बात पर भी अब पुख्ता जानकारी मिल रही है कि आज शाम को ही फडणवीस अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं।